हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। एंड जैसा आप जानते हैं कि हमने ऑलरेडी टेंशन के बहुत सारे चैप्टर स्टार्ट किए हैं। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर दैट इज हीट, राइट। तो हीट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना कुछ क्वेश्चन है जो आपको क्लियर होने बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज तो क्लियर होना ये जरूरी है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। बिकॉज बहुत सारे बच्चों को लगता है हीट और टेम्परेचर दोनों एक ही है, तो दोनों एक ही नहीं है, दोनों भी अलग है यहाँ पे। तो लेट सी व्हाट दे आर। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो मैंने लिखा है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो देखो अगर मुझे किसी चीज का टेम्परेचर मेजर करना है, जैसे अगर मुझे लेट से किसी को बुखार है, राइट, उसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर यूज करते हैं। तो जो थर्मोमीटर है वो हमें क्या बताता है, टेम्परेचर बताता है। दैट मीन्स वो हमें सिर्फ ये बता रहा है कि कितना हॉट है कितना कोल्ड है, राइट। तो थर्मोमीटर का काम होता है खाली डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बनाना, और वो जो हॉटनेस और कोल्डनेस हमें पता चलती है, राइट, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो वो जो होता है वो होता है हमारा टेम्परेचर। बट जब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे हीट की, तो देखो मैंने क्या लिखा, हीट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, हीट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहूंगा कि अगर मुझे किसी चीज को हीट मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक सिंपल वर्ड में कि अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाना है, लेट से मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है, ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है और इसके अंदर हमने जो है वाटर फिल किया, ठीक है, हमने इसके अंदर क्या किया है, वाटर फिल किया है, या तो हम सिंपल बोलते हैं इसके अंदर हमने आइस ले लिया है, ठीक है, हमारा इसके अंदर क्या है, आइस है। अब मैं कहता हूं ये आइस को मुझे मेल्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे हीट देना पड़ेगा। हीट देने का मतलब मुझे उसे एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। हीट देने का मतलब क्या करना है, मुझे उसे एनर्जी देनी है, और वो एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा। ध्यान से सुनना, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं मतलब हम उसे एनर्जी देते हैं, और वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जब वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो अपना टेम्परेचर बढ़ाता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जब एनर्जी लूज करता है तो वो अपना टेम्परेचर घटाता है, ठीक है, ये एक चीज होती है। तो अगर मुझे यहां पे इसे क्या करना है, मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसे नीचे से हीट देना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहां से इसे नीचे से क्या किया, हीट देना स्टार्ट किया। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो हम देखते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। तो यहां पे जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दैट द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू माय हीट एनर्जी विच आई एम प्रोवाइडिंग। So with the increase in heat energy, my temperature is increasing, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया हीट और टेम्परेचर कैसे डिफर करते हैं। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे हीट करेंगे तो मतलब उसे हम एनर्जी दे रहे हैं, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता है। तो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। अब मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे हमने नेक्स्ट वर्ड लिया है लेटेंट हीट। अब देखो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें अलग पढ़नी है, हम हीट तो जानते हैं बट हीट को बहुत अच्छे से हम यहाँ पे पढ़ने वाले इस चैप्टर में। और बच्चों बता दो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, राइट, आपको खुद इसे पढ़ के मजा आएगा, आपको समझेगा इतना इजी था ये, हम इतना सोच रहे थे इसे। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमें लेटेंट हीट करना है। अब लेटेंट हीट में कुछ स्पेसिफिक हीट आते हैं हमारे पास, उसके बाद हम यहाँ पे जो है एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर करेंगे, फिर हम ड्यू ड्रॉप करेंगे, ह्यूमिडिटी करेंगे, एंड देन एक लास्ट में हमारा टर्म जो स्पेसिफिक हीट मैंने कहा वो हम करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है, एक लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट, तो ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे करनी है। अब आज के सेशन में जो है, आज की वीडियो लेक्चर में जो हम लेटेंट हीट को, और एक टॉपिक है जिसका नाम है रीजेलेशन, तो रीजेलेशन इज ओनली डिपेंड ऑन लेटेंट हीट ओनली, तो ये दोनों टॉपिक हम आज लेक्चर में खत्म करेंगे, फर्स्ट लेक्चर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है वीडियो का ऑफ हीट चैप्टर, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटेंट हीट की बच्चों। अब देखो लेटेंट हीट को मैंने क्या डिफाइन किया है, अभी आपके बुक में नहीं लिखा बट मैंने लिखा है पे, सी लेटेंट हीट क्या लिखा है मैंने, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट। या मैं लिक्विड नहीं कहूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिक्विड वर्ड नहीं यूज करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, मैं यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करूंगा। तो मेरे को अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना है, स्टेट चेंज करना मतलब सॉलिड लिक्विड या गैसियस स्टेट, ठीक है, तो अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना है तो उसके लिए मुझे जो भी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे लेटेंट हीट। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ को समझते हैं फिर ये चीजें समझ जाएंगे क्या है नीचे की, ठीक है। अब इस ग्राफ में आप देखोगे तो मेरे पास एक एक्स एक्सिस है जहां पे हमने टाइम लिया हुआ है, एक वाई एक्सिस है जहां पे हमने डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर लिया हुआ है। अब आप देखना मैंने y एक्सिस पे जो टेम्परेचर लिया है, देखो ये मेरा जीरो है, इसके ऊपर पॉजिटिव टेम्परेचर, इसके नीचे नेगेटिव टेम्परेचर। अब देखो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं हम इसी का एग्जांपल लेते हैं, अब मान लेते हैं इसके अंदर हमारे पास आइस क्यूब्स हैं,
क्या है बच्चों? आइस क्यूब्स। तो मेरे पास जो है इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे आइस क्यूब्स हैं, और ऑब्वियसली इसके अंदर अगर आइस क्यूब्स हैं तो इसका टेम्परेचर जो होगा क्या होगा? लेस देन जीरो। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। ये ग्राफ बहुत अच्छा है और बहुत मजा आएगा इसे करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे आइस क्यूब्स है बच्चों, तो आइस क्यूब्स जो है उनका टेम्परेचर लेस देन जीरो है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, माइनस में है, तो हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि इनका टेम्परेचर माइनस में है। अब मैं एक चीज और बता दू, आपके बुक में जो ग्राफ है वो जीरो से डायरेक्ट ए और बी से स्टार्ट हो रहा है, ये नीचे वाला पार्ट नहीं है, वो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो लेट से इसका टेम्परेचर माइनस में है, ठीक है, हम कह रहे हैं इसका टेम्परेचर क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमारा जीरो के नीचे जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसे हीट एनर्जी देता हूं, तो जब मैं इसे हीट एनर्जी दूंगा तो ये क्या करेगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जैसा अभी हमने पढ़ा। ठीक है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो अपना टेम्परेचर रेज करेगा, सही बात है, बट देखो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम लगेगा उसे, तो देखो इसलिए मेरा ग्राफ देखो 20, ये माइनस 20 था, मतलब टेम्परेचर लेस है, तो यहां पे इसे 2 मिनट लग गए जो है हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, और 2 मिनट लग गए तब तक वो क्या हो गया, वो आ गया मेरा पॉइंट ए पे। अब देखो पॉइंट ए कहां पर है, पॉइंट ए लाई करता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और वाई एक्सिस पे, मतलब वाई एक्सिस पे नहीं, एक्स एक्सिस, तो यहां पे मेरा पॉइंट क्या है, जीरो, मतलब टेम्परेचर कितना है, जीरो। एक्स एक्सिस पे हमारे टेम्परेचर कितने होंगे, सारे जीरो, तो यहां पे टेम्परेचर मेरा जो है क्या है, जीरो है। ओके, टाइम कुछ लगा है ए पे आने के लिए, तो अब ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसे गया। अब बात करते हैं ए टू बी के लिए, देखो मैं यहाँ पे कंटिन्यू हीट कर रहा हूं, मैं इसे यहाँ पे कंटिन्यू हीट कर रहा हूं, बट फिर भी जो है ये यहाँ पे टेम्परेचर जो है कंटिन्यू वहां पे, मतलब मैं कंटिन्यू हीट करूंगा, तो मैंने जैसे कहा व्हेन आई एम हीटिंग एनी ऑब्जेक्ट तो वो एनर्जी गेन करता है, और एनर्जी गेन करके टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर कंटिन्यू इंक्रीज होना चाहिए था, बट अगर आप देखोगे इस ए बी पोर्शन को तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टली चले गया है, दैट मीन्स टाइम के साथ उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, इवन दो वी आर हीटिंग इट, तो हम अगर एनर्जी दे रहे हैं सो वाई देर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर, दैट मीन्स हमने जो हीट एनर्जी दिया उस ऑब्जेक्ट ने उस एनर्जी को लिया, बट वो एनर्जी लेके उसने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, टेम्परेचर को नहीं बढ़ाया, दैट मीन्स वो एनर्जी फिर कहीं ना कहीं तो यूज होगी किसी अलग जगह पे। ये बात बहुत समझना जरूरी है बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट ने हीट एनर्जी लेके वो अपना टेम्परेचर बढ़ाता है, तो इस बार अगर उसने ए टू बी पोर्शन में, ठीक है, ए टू बी रीजन में अगर उसने अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाया है, मतलब वहां पे वो हीट एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब किया उसे कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल किया होगा, तो वो हीट एनर्जी बता दूं मैं आपको कहां पे यूज होती है, फॉर द पॉइंट ए टू बी, ए टू बी रीजन के लिए जो लाइन है हमारा, देखो वो क्या होता है, जब हम कहते हैं ना मैंने आइस क्यूब लिया है, तो व्हेन माय आइस क्यूब रीचेस टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अब ये नेगेटिव था, अब मैं कहता हूं ये कहां पे आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस, पहले टेम्परेचर हमारा नेगेटिव था, अब वो आ गया 0 डिग्री सेल्सियस, तो एक चीज ध्यान में रखना, आइस जो होता है ना वो कभी भी अगर 0 डिग्री पे है, ओके, तो अभी मेरे पास सपोज वो मेल्ट हो गया, हम कहते हैं कि आइस मेल्टिंग होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि 0 के नीचे वो मेल्ट नहीं होगा, और 0 पे क्या होगा, आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगा। अभी आप देखोगे इस रीजन ए बी में मैंने लिखा आइस प्लस वाटर, मतलब क्या हो रहा है, मेल्टिंग स्टार्ट हो गया 0 डिग्री पे, ठीक है, तो जो चीज मेल्ट हो गई, जितना आइस मेल्ट हो गया वो तो लिक्विड बन गया, वाटर बन गया, और जितना आइस क्यूब बचा है मेल्ट हुआ नहीं हुआ, मतलब वो तो वैसे ही है अभी भी। तो यहाँ पे ऐसा होता है ना बच्चों, यहाँ पे ऐसा होता है, सी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, तो लेट से मैं बता दूं, ये हमारा लेट से ये आइस क्यूब्स है, तो इतना पोर्शन मेल्ट हो गया, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो पोर्शन मेल्ट हुआ पानी है, ठीक है, और ये आइस क्यूब है, अब इन दोनों का टेम्परेचर हम बोलेंगे ना, तो ये दोनों का टेम्परेचर क्या होगा ना बच्चों, सेम होगा, दिस बोथ, ये लिक्विड भी और ये सॉलिड भी, इन दोनों का टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब तक हमारा एक आइस क्यूब, मतलब जो सॉलिड स्टेट में है, जो कन्वर्ट होगा लिक्विड स्टेट में बाय गेनिंग टेम्परेचर, तो एक चीज आपको यहां पे समझनी है, व्हेनेवर देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ स्टेट, व्हेनेवर देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे आइस ले रहे हैं, तो व्हेनेवर देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ स्टेट, एट दैट पॉइंट ऑब्जेक्ट जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना, वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए नहीं करता है, वो उसे वहां पे अपना स्टेट चेंज करने के लिए यूज करता है। इसके पहले वो सॉलिड स्टेट में था माइनस में, तो उसने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, टेम्परेचर बढ़ाया कहां तक, जीरो तक, बट अब हमें पता है कि जो है आइस जो है वो 0 डिग्री के ऊपर जो है सॉलिड स्टेट में नहीं रहेगा, वो लिक्विड स्टेट में हो जाएगा, तो जब वो अब लिक्विड स्टेट में जाएगा तो लिक्विड स्टेट में जाने के लिए भी वो क्या करता है, एनर्जी लेता है। तो देखो यहां पे इसलिए ए टू बी रीजन में टाइम तो लगा, टाइम मेरा 2 से 6 तक चले गया,
ध्यान से देखना, टाइम 2 से 6 तक चले गया बट यहाँ पे टेम्परेचर रेज नहीं हुआ है. व्हाई देयर इज नो रेज इन टेम्परेचर? बिकॉज यहाँ पे उसने जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो सारी एनर्जी उसने क्या कर दी है, कन्वर्ट करने में, कन्वर्जन में, मतलब अपना स्टेट चेंज करने में. ध्यान से सुनना ठीक है. तो ये स्टेट चेंज करने में इसने क्या किया, अपना एनर्जी सारा यूज कर लिया. तो जब तक ये पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता है तब तक इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, जीरो. एक बार आइस पूरी तरीके से मेल्ट हो गया फिर से हम हीट दे ही रहे कंटिन्यूसली, फिर वो क्या होगा, जाके जो है अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा. तो यहां पे हम कहते हैं कि मैंने जो हीट एनर्जी दिया, जब तक ये पूरे आइस क्यूब्स मेल्ट नहीं हो जाते ठीक है, जब तक ये पूरे आइस क्यूब्स मेल्ट नहीं हो जाते तब तक, एक बार जीरो तो पहुंच गया टेम्परेचर बट जब तक आइस क्यूब मेल्ट नहीं हो तब तक इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, जीरो. तो इसलिए देखो ए टू बी रीजन में हमारा क्या है, आइस प्लस वाटर है, सॉलिड प्लस लिक्विड है एंड द टेम्परेचर इज जीरो बट वो हीट एनर्जी ले रहा है. तो आप इसको आंसर क्या करोगे, तो आप बोलोगे एनर्जी कहां जा रही है, तो यू विल से दैट द हीट एनर्जी विच इज टेकन बाय दिस सॉलिड राइट, तो वो सॉलिड आइस वो क्या करता है, वो उस एनर्जी को यूज करता है टू ब्रेक द बॉन्ड्स. देखो यहाँ पे ना बॉन्ड्स बनते हैं ठीक है, और वो बॉन्ड बनते हैं ना वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सॉलिड स्टेट में चले जाता है. तो वो बॉन्ड को ब्रेक करने में, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, तो वो बॉन्ड्स को ब्रेक करने में वो एनर्जी यूज होती है. और जब वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं ना तो वो क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये हमारा पोर्शन ए टू बी में होता है और इसी को हमने नाम दिया है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्या नाम दिया है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और ये किस पोर्शन के लिए है, ये फॉर रीजन ए टू बी ठीक है. तो हमारा जो रीजन ए टू बी है या हम कहें ए टू बी लाइन ठीक है, रीजन नहीं हम लाइन बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा वर्ड ओके. तो फॉर लाइन ए टू बी ठीक है, वी विल से दैट इट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन होना मतलब क्या होता है, फ्यूज होना राइट. यहां पे हमारा फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे जो फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन मतलब यहाँ पे अलग हो जा रहे हैं हमारी कौन सी चीजें, आइस और वाटर अलग अलग हो जा रहे हैं. तो वो फ्यूजन के लिए जो इसने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अंडरस्टूड दिस पार्ट. अब आगे बढ़ते हैं. अब मैंने कंटिन्यूस हीट दिए जा रहा हूं, अब ये समझो पूरा लिक्विड बन गया, जीरो से अब जीरो पे आ गया और सारी चीज लिक्विड बन गई. अब वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जो मैं हीट दे रहा हूं उसे एब्जॉर्ब करेगा. अब वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो देखो उसने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया और ये पूरे दौरान ये क्या रहेगा, लिक्विड और वाटर में रहेगा ठीक है. जैसे जैसे ये पॉइंट सी पे आ गया, अब देखो पॉइंट सी कहां पे बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस. अब हमें पता है हम यहाँ पे वाटर यूज कर रहे हैं और वाटर 100 डिग्री पे क्या होता है, बॉइल होना स्टार्ट होता है, स्टीम्स निकलना स्टार्ट होते हैं यस. तो यहां पे क्या होगा, जैसे हम 100 पे आ जाएंगे तो बॉइलिंग होना स्टार्ट होगा. अच्छा ए और बी को ना, हम जो रीजन ए और बी है ना उसको हम मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ये भी याद रखना ठीक है. रीजन ए बी को हम मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं. सो द स्टेट एट विच माय सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो सॉलिड आइस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ठीक है. और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है ये क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर ठीक है, या फिर द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन टू एनी ऑब्जेक्ट सो दैट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. वहां पर उसका टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट है बट देर इज अ चेंज इन स्टेट. और कौन सा स्टेट चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड. देर इज चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और इसका डेफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूं आपको दिखाई देगा ओके. तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे फॉर सी और डी के लिए ठीक है. तो सी और डी के लिए जो है, अब देखो मैंने 100 तक पहुंच गया मैं राइट. अब यहाँ पे मेरा वाटर बॉइल होना स्टार्ट होगा. अब एक बार फिर से जान लो, जब हमारा वाटर बॉइल होना स्टार्ट होता है तो तुरंत वो 100 डिग्री के ऊपर नहीं चले जाता है. अब क्योंकि देखो स्टीम फॉर्म होगा, स्टीम है ना, ध्यान से सुनना, स्टीम वेपर्स निकलेंगे. तो जब तक पूरे वाटर जो है ठीक है, ये तो पॉइंट मेरा सी और डी है ना, ध्यान से देखना, जब तक हमारा पूरा वाटर जो है ना वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता है ठीक है, तब तक उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस. इसलिए देखो यहाँ पे टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. जब एक बार वो पूरे वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेंगे तब क्या होगा, ये पॉइंट डी से ऊपर जाना स्टार्ट होगा ठीक है, उसके पहले ही यहीं तक रहेगा. तो इस पॉइंट में देखो मुझे बॉइलिंग वाटर्स रहेंगे प्लस वेपर्स मिलेंगे, मुझे क्या मिलेंगे, बॉइलिंग वाटर्स प्लस वेपर. अब बॉइलिंग वाटर क्या है, लिक्विड है, वेपर्स क्या है, गैसियस है. और उस स्टेट जो सी और डी है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. इसे हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ये किसके लिए है, फॉर लाइन C टू D के लिए बच्चों.
ये किसके लिए है? फॉर लाइन सी टू डी के लिए. ओके इसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे? अब आपके बुक में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. तो देखो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे इसने जो भी हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब किया है, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास, तो मतलब जो भी यूनिट मास हमारे पास वाटर का है, ऑफ अ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैशियस स्टेट या गैशियस फेज इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइज या स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सी टू डी पॉइंट के लिए. अब इसके ऊपर जाओगे आप, तो इसके ऊपर जाओगे तो वो पूरा वेपर्स बन चुका रहेगा और पूरे वेपर्स मिलेंगे हमें, उसके ऊपर आगे और कोई स्टेट नहीं होता है. अच्छा अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपको कि इज देयर एनी अदर स्टेट, हमारे पास तीन स्टेट है सॉलिड लिक्विड और गैशियस, क्या कोई और स्टेट्स है हमारे पास? टोटल कितने स्टेट्स है? आपको तीन ही स्टेट्स पता है. ओके अगर कोई वीडियो देख रहा है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि टोटल कितने स्टेट्स है. मैं आपको बता दूं टोटल पांच स्टेट है, ठीक है. अभी आप तीन ही पढ़े हो सॉलिड लिक्विड गैसेस, वो दो जो स्टेट्स है ना पांच में से बचे हुए, उन दोनों का आप मुझे नाम कमेंट करके बताना, ठीक है. जिसने कमेंट किया मैं समझ जाऊंगा उसने वीडियो देखा और उसे समझा है सारी चीजें, ठीक है. और नहीं आता तो भी कमेंट करना, सर मुझे नहीं पता आप मुझे बताओ, तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा क्या आंसर है, ठीक है. तो ये चीजें हो गई हमारी किसके लिए? लेटेंट हीट के लिए. तो लेटेंट हीट में दो चीजें देखी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब हम बात करेंगे रीजलेशन के ऊपर बच्चों. तो ये रीजलेशन क्या है? देखो जब हम बात करते हैं, अच्छा पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर अच्छे से और समझेगा. यहां पर हमने क्या लिखा है? द फिनोमिनन इन विच द आइस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड. आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे. देखो ध्यान सुनना, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है? लिक्विड में कन्वर्ट होता है एंड देन रीकन्वर्ट्स इनटू आइस व्हेन प्रेशर इज रिमूव्ड, दिस इज कॉल्ड रीजलेशन. अब देखो इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है ना, सबने गोला खाया होगा ना, गोले वाले के पास स्कूल के बाहर लगे होते हैं ऐसे ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है. तो वो जो आइस नीचे मिलता है, अब देखो वहां पे क्या होता है, आइस है ना क्रश होता है, आइस क्रश होता है, उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं. अब वो क्या करते हैं, उसमें वो डंडी डालते हैं और उसको क्या करते हैं, बहुत जोर से प्रेस करते हैं. तो जब वो उसे प्रेस करते हैं ना, प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, तो उस वक्त क्या होता है कि जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है. ध्यान सुनना, जब आइस को हम प्रेस करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है एंड व्हेन वी रिमूव द प्रेशर, जब हम रिमूव करते हैं प्रेशर को, तो वही जो हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है ना आइस, वो फिर से क्या हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजलेशन. इसका एक एग्जांपल आपके बुक में दिया है पेज नंबर 64 पे, अगर आप देखोगे तो उन लोगों ने एग्जांपल में कुछ ऐसा बताया है कि उन लोगों ने एक आइस लिया है, मैं यहां ड्रॉ करके दिखाता हूं, एक टेबल है, लेट से कैसे बनाऊं मैं, ठीक है हम मान लेते ये टेबल है और इस पे हमने ना आइस का क्यूब रखा हुआ है, ठीक है हमने इसके ऊपर आइस का, मैं थोड़ा इसको अच्छे से बनाता हूं, तो हमने इसके ऊपर क्या किया, आइस का क्यूब रखा हुआ है. तो लेट्स से दिस इज माय आइस क्यूब. अब मैं क्या करता हूँ, इसके दोनों साइड से ना मैं इस पर एक तार लगा देता हूँ, तार पे वेट डाल देता हूँ. तो लेट्स से मैंने ये तार लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे से एक तार आया है और वो ऐसे नीचे उस पर वेट है, उसके बैक साइड में भी, ठीक है. तो अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे वेट है ना, तो आइस के ऊपर वाले पार्ट पे क्या होगा, प्रेशर अप्लाई होगा, और जब प्रेशर अप्लाई होगा तो वो जो तार है ना नीचे नीचे एंटर होते जाएगा, और एंटर होते होते वो एंड तक आ जाएगा, और जब वो एंड तक आ जाएगा ना, जब आप आइस को उठाओगे तो आप देखोगे तो आइस ब्रेक नहीं हुआ रहेगा. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे थे तो प्रेशर अप्लाई करते वक्त क्या हुआ था, वो ब्रेक हुआ, मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है. इट्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एंड व्हेन द प्रेशर इज रिमूव्ड अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू आइस. सो ठीक है, रीकन्वर्ट्स इनटू आइस व्हेन प्रेशर इज रिमूव्ड. सो दिस प्रोसेस इज ऑल ओवर कॉल्ड रीजलेशन. आई होप आपको रीजलेशन भी समझ गया है. अच्छा आपके बुक में दो क्वेश्चंस दिए हैं यूज योर ब्रेन पावर में, पेज नंबर 63 पे. मैं क्वेश्चंस रीड करता हूँ, आप देखना क्या है. ओके इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट एप्लीकेबल ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैसियस स्टेट टू लिक्विड फेज एंड फ्रॉम लिक्विड फेज टू सॉलिड फेज. ओके ये कह रहे हैं कि अगर ये जो हमारा लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है, अगर हम ये रिवर्स करते हैं, मतलब मैं वेपर से लिक्विड में आऊं, तो उस वक्त हमें ये लाइन मिलेगी क्या, या फिर मैं लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हूं तो उस वक्त हमें ये चीज मिलेगी, ऑब्वियसली मिलेगी. इसका आंसर यस है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वेयर डज द लेटेंट हीट गो ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन. तो जब ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्टेट का,
या चेंजेस होता है स्टेट का, कन्वर्जन होता है, तो उस वक्त लेटेंट हीट कहां जाता है? तो इसका आंसर क्या लिखोगे? द लेटेंट हीट इज यूज टू ब्रेक द बॉन्ड एंड चेंज द स्टेट. तो वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमारा लेटेंट हीट यूज हो जाता है, ये इसका आंसर लिखोगे. अब देखो उसी पेज नंबर 63 पे आपको एक टेबल दिया हुआ है और उस टेबल में उन्होंने अलग अलग सब्सटेंस दिखाए हैं, ठीक है. और उस अलग अलग सब्सटेंस का यहाँ पे आपको अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है. और ये जो पॉइंट सी और डी है ना, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, ठीक है. तो द टेम्परेचर एट विच लाइक वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग वी कॉल एज अ बॉइलिंग पॉइंट, एंड द टेम्परेचर एट विच माई सॉलिड या सॉलिड आइस कन्वर्ट्स इन टू लिक्विड इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट. ओके, तो ये सारी चीजें थी. अब यहाँ पे आप टेबल में देखोगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हर अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग है, तो उनका स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन भी अलग अलग है. तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग, जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट है 0 और बॉइलिंग पॉइंट है 100, तो उसका स्पेसिफिक हीट अलग है. आप जब आपके बुक में देखोगे पेज नंबर 63 पे टेबल में, तो आइस और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0, बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो उनका देखो स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है. तो स्पेसिफिक हीट मेल्टिंग पॉइंट का कितना है 333 और बॉइलिंग पॉइंट का कितना है 80, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन देखो यहाँ पे वो भी दिया हुआ है 2256 एंड 540, ठीक है. तो ये चीज थी हमारी आज की वीडियो लेक्चर में. आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो. कोई डाउट हो तो आप कमेंट करो, उसके आंसर मिल जाएंगे. एंड टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. टेक द स्क्रीनशॉट. ओके.